सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग चर्चा करते हुए आज नौवे नवरात्र में माँ जगदम्बा के नौ दिन आज संपूर्ण होने जा रहे हैं। आज के दिन माँ दुर्गा की जो नौमी शक्ति के नाम से सिद्ध दात्री हैं उनका पूजन होता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। जो कई लोग माँ से रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, कई प्रकार की सिद्धियां व्यक्ति मंत्रों की सिद्धि चाहता है या अन्य अन्य रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, माँ की इस आराधना से सिद्ध दात्री की पूजा से उसके जीवन में तमाम सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं। नवरात्र के पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है। इन दिनों शास्त्रीय विधि विधान पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने के वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में कुछ और भी उनके लिए गम्य नहीं, जो इनकी पूजा करते ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है जो माँ दुर्गा का पूजन करता है, सिद्धदात्री के रूप में उनकी पूजा करता है। माँ सिद्धदात्री चार भुजाओं वाली हैं, इनका वाहन सिंह है, ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं, इनकी दाहिनी की तरफ नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये आठ सिद्धियां वो कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वसित्व। आठ प्रकार की ये जो सिद्धियां हैं माँ सहज में ही उस मनुष्य को प्रदान कर देती हैं। माँ को अनार और तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ सिद्धात्री को अनार और तिल बहुत प्रिय हैं। दूसरा, जिन जातकों के कुंडली में केतु ग्रह थोड़ा सा बुरा प्रभाव दिखाता है, अप एंड डाउन करता है, तो जो माँ सिद्धात्री की पूजा करते हैं वहां केतु ग्रह भी प्रसन्न होता है, शांत होता है। तो माँ भगवती आपको, आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे, आपके बच्चों को सदमार्ग का दर्शन कराए, चकाचका भक्तिमय जीवन जिए, भगवती की कृपा बनी रहे। माँ जगदम्बा आप सबके ऊपर कल्याण करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांति शांति शांति।